वैक्सीनेशन के दोनों सर्टिफिकेट देने वाले दो लोगों को कुर्ला पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। देश भर में वैक्सीनेशन को आम कर दिया गया है और ऐसे सभी पब्लिक प्लेसेस हो या लोकल ट्रेन हो, इनमें दोनों डोज होने के बाद ही ट्रैवल करने की अनुमति है। इसी में कुछ लोग ऐसे भी है जो ये वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के नाम पर मोटी रकम जो है वो काला बाजारी करते हुए कमाते हैं। और ऐसा ही मामला कुर्ला पुलिस स्टेशन के सहयोग से उजागर हुआ है, जहाँ पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशांक शेलके ने उजागर किया है, जहाँ पर दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दो लोग जो है, पहला आरोपी है अरबाज शेख, ये कुर्ला इलाके में बड़े ही धड़ल्ले से दोनों डोज के सर्टिफिकेट देता था और काफ़ी उसका जो है 2000 रुपये में ये वैक्सीनेशन जो है काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा था इसका रैकेट। जब पुलिस ने इस पूरे मामले को छानबीन किया तो कुर्ला एल वार्ड की अधिकारी है लुबना अंसारी, इनके सहयोग से मिलकर ट्रैप बिछाया और ट्रैप बिछाने के बाद इस अरबाज शेख को गिरफ्तार किया गया है। अरबाज शेख की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में एक अल्फेज खान नाम का 19 वर्षीय आरोपी भी जो है गिरफ्तार हुआ है। अगर इन दोनों की पूछताछ की माने तो पुलिस ने ऐसी जानकारी दी है कि ये दोनों जो है प्रतापगढ़ से किसी डॉक्टर के संपर्क में थे और ये बड़े ही धड़ल्ले से वहाँ से वैक्सीनेशन को बनाते थे और फिर 2000 रुपये में मुंबई में बनवा के देते थे। इस पूरे मामले को लेके शशांक शेलके ने क्या पूरी जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। 22 तारीख की शाम को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर दो एकेज को लेके हमारे पास आए थे, यूनिट 5 क्राइम ब्रांच के, और उन्होंने कहा था कि उनको इन्फॉर्मेशन थी कि ये दो लोग जिनका वैक्सीनेशन ही हुआ नहीं है, ऐसे लोगों को फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने बोगस गिराई भेज के ये ट्रैप लगाया था और इन लोगों को कुर्ला पुलिस के एरिया में अर्पण हॉस्पिटल है उसके सामने वो बोगस सर्टिफिकेट के साथ पकड़ा गया था। और उन्होंने फिर उन दोनों को हमारे पास लाने के बाद इंक्वायरी उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ये करके हमारे यहाँ 637/21 अंडर सेक्शन 420 465 468 471 188 269 270 IPC रेडविट 234 एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट के तहत इन दोनों के खिलाफ गुनाह रजिस्टर किया गया। इन दोनों की इंक्वायरी में इन्होंने बताया था कि इन्होंने अभी हाल ही में शुरू किया है, दोनों वडाला के रहने वाले हैं शांति नगर के और उनका प्रॉपर है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, काम धंधा ये दोनों कुछ नहीं करते। तो उनका अभी तक की इंक्वायरी में उन्होंने कहा कि उनके अपने ही घर वालों को 3 जन को उन्होंने दिया है, ये जिनको चाहिए उनकी डिटेल्स लेके यूपी में भेजते थे और यूपी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रतापगढ़ का वो उनके पास आता था और ये फिर 2000 से 3000 रुपये कीमत लगा के वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बेचते थे। उनको कोर्ट के सामने जब प्रोड्यूस किया गया तो कोर्ट ने उनको 28 तारीख तक PC दी है। तो इस मामले में उन्होंने किस किस को ये आज तक सर्टिफिकेट फेक सर्टिफिकेट इशू किया है इसकी जानकारी लेनी है और ये यूपी में किससे बनवाने थे वो भी जानकारी लेनी है, वहाँ पे टीम भेजनी है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।